लाइट गई। हाँ जाओ फ्रेंड्स, करेले छील लेते हैं। आज हम करेले बनाएंगे। इसमें से ये निकालने बहुत मुश्किल है। इसमें से भी नहीं है। इस बार में ये डंडियाँ तोड़ रहे हैं सारे, यानी कि बिना डंडी के मैं बनाऊंगी। इसमें भी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। और मेरे घर का तो हाल देख ही रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं बच्चों वाले रूम में हूँ, मुझे बनाने हैं करेले। अभी टाइम हुआ है, सवा ग्यारह हुए हैं दिन के। और मैं अभी मिस्त्रियों को चाय दे करके आई हूँ। मिस्त्री अभी भी लगे हैं मेरे घर में। और थोड़ी सी बची थी तो मैंने भी ले ली है, अभी गर्म है। लाइट चली गई है और एसी खुले का खुला रह गया, चल रहा था। अब इसे कर देते हैं बंद। और ऐसे नहीं एसी ख़राब हो जाता, जब लाइट चली जाती है ना तो फिर चलता रह जाए ना तो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। मुझे लगी है नींद, आजकल नींद भी पूरी नहीं हो रही है कि मेरी आंखें लाल हुई पड़े हैं, सूजी सूजी हैं, क्योंकि हमारी नींद नहीं पूरी होती। घर में सब जगह गंदगी से मची हुई है, सीमट रहता। और अनु तो सो गया, आज उसने बहुत काम किया। अनु ने बाहर वाली दीवार तोड़ी ना, तो जो मलबा बचा था ना, मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी दीवार तोड़ी है अनु ने और उसके पापा ने तोड़ी है दीवार। तो उसका मलबा बचा हुआ था ना, वो सहारा फिर बाहर घर से फेंकना पड़ा। और जितना भी मलबा होगा ना, हम सब इकट्ठा करके ट्रॉली वाले को बुलाएंगे, उठवा देंगे। अभी तक तो बाहरी गली में ढेर लगा है। और मैंने बाल धोए थे, हेयर वॉश किया था, अभी गीले ही हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी दीवार, कौन सी दीवार हमने तोड़ी है। सरप्राइज़ है ये। देखिए, हमने यहाँ कमरा अपना दीवार निकाल दी है और ये हमने पूरा हमारा लॉबी बन जाएगी। बच्चे बोल रहे थे बाहर वाला रूम दीवार निकालो। और ये देखिए, अब ऐसा लग रहा है। यहाँ थी मेरी एलईडी, बेड वहाँ था, यहाँ कर लिया। अब इसकी सेटिंग बाद में करेंगे। आज ये पापा बेटा लगे हैं साफ सफाई करने, जो मिस्त्री खिलारा डाल गए। अब जो प्रॉब्लम आ रही है ना हमें, वो ये आ रही है कि जो यहाँ से दीवार निकली है ना, यहाँ टाइल इसके साथ वाले मिलने बहुत मुश्किल है।
अब देखते हैं कहाँ से मिलती है, ढूंढनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ टाइल टूट भी गई, ऊपर से ईंट गिरने से काफ़ी हो ही जाता है नुकसान। तो चलो ये तो किसी चीज़ के नीचे ही आ जाएगी। यहाँ पर भी टूटी है, यहाँ से भी टूट गई। अगर मिल गई तो बदलवा देंगे जहाँ जहाँ से टूटी है, अगर नहीं मिली फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लाइट जगा दूँ कमरे दी, एसी बंद कर दूँ, चलन दूँ। हाँ नहीं वो उड़दा पिया से ना अलमारी के नीचे होनी मिट्टी वगैरह, हूँ आए दे नीचे सीमेंट मिट्टी उड़िया है। तो जैसे कि मैं करेले छीन रही थी और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। करेले मैंने छीले थे दिन में, अब हो गई है शाम। तो ये मैंने प्याज कर लिया, थोड़ा मैंने पीस लिया, थोड़ा मैं काट करके डालूंगी क्योंकि ऐसे अच्छा क्रंच आता है। ये थोड़े जो छत से करेले निकले थे ना, आपको बताया होगा मैंने पहले वीडियो में, तो ये वो वाले हैं और जो भर के बनेंगे वो ये वाले हैं। मैंने आज इजी वाला काम कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये फ्राई कर लिए हैं करेले, ये देखिए। अब ये वाला बस जो उसका छिलका रहता ना वो मैं भून रही हूँ क्योंकि ज़्यादा कड़वे करेले मैं ही खाती हूँ, घर में शुगर मुझे है तो मुझे ये खाने पड़ते हैं। तो ये फ्राई हो जाए ना फिर मैं मसाला फ्राई कर लूँगी। ये जो मैंने पीसे हैं इसमें डालूँगी मैं कच्ची कैरी, मैंने डाली है इसमें, और प्याज है, दो हरी मिर्च है काट के डाली हुई। जैसा कि आपको पता है कि मेरी मिक्सी ख़राब हो गई है और अभी टाइम नहीं है किसी के पास, तो मैं जिससे मलाई निकलवाती हूँ ना ब्लेंडर से, मैंने उसी से कर लिया, उसे भी पीसा जाता है। और चॉपर मेरा पता नहीं बेड में रख दिया है, थोड़ा सामान ना क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है, क्या बताएं आपको, घर की दुर्दशा हो गई है। मिट्टी मिट्टी हर एक चीज़ पर है। जब भी हम कुछ बनाते हैं ना तो फटाफट पहले अपने बर्तन को धोते हैं, फिर हम उसमें बनाते हैं और प्लेट वगैरह सब धोते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि बाहर का काम शुरू हुआ पड़ा है ना टाइल का, जो फ्रंट साइड है गेट के बाहर वहाँ टाइल लग रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन क्या करें, पहले अंदर की निगरानी रखनी भी ज़रूरी रहती है। मिस्त्री अंदर लगे रहे थे ना आज और कल दो दिन अंदर थे। ये मैंने जो बचा था मेरा फ्राई का मैंने यहाँ निकाल लिया है और ये हो जाएगा हमारा तड़के वड़के में यूज़ हो जाएगा। तो देखते हैं पापा बेटा क्या कर रहे हैं। ये देखो हमारा तख्त भी टूट गया, इसकी टांग टूट गई, दो नीचे पूरी हैं, एक उधर पूरी है, ये इधर वाली टूट गई। इसको ना हमने यहाँ पे रखा हुआ था ताकि जो दीवार तोड़ी ना ईंटें इसके ऊपर जाएँ, वो भी टूट गया सारा। देखियो देखियो जी दीवार दी साइड से प्लस्तर ला के ना खराब कर दे। वो कंप्यूटर वगैरह वहाँ ढका है, टीवी वगैरह यहाँ ढका है, और ये वाला सोफ़ा यहाँ रखा है, ये जो अलमारी है मेरी एंटिक पीस ये यहाँ है, और ये जो गद्दा है हम लोग नीचे बिछा करके सोते थे, एक ही कमरे में सो जाते हैं हम लोग, हस्बैंड नीचे सो जाते हैं यहाँ, तो आजकल तो सोफ़ा आ गया, सोफ़े के ऊपर सो जाते हैं जी। मैंने यहाँ डबल कर दिया है गद्दा, इसके ऊपर सो जाते हैं, इसको साथ में लगा देते हैं। और दूसरे कमरे की दुर्दशा भी दिखाती हूँ आपको क्या है, एसी लगा हुआ है ना इसीलिए इस कमरे में ये दुर्दशा है। एक सोफ़ा यहाँ रखा हुआ है और ये है हमारी थेरेपी सेरा जिम की मशीन, इसके ऊपर मिट्टी मिट्टी हुई है, 2.5 लाख की मशीन है, क्या दुर्दशा कर दी इसकी भी। और वहाँ टेबल चढ़ा दिया ऊपर, एक अलमारी यहाँ पे है, एक वहाँ पे रख दी। ये है हमारे घर का
अपडेट मैंने दे दी आपको, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। मिट्टी मिट्टी उड़ रही है पूरे घर में। और मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ यहाँ एसी के पास, मुझे लग गई गर्मी। यहाँ मैंने ये रेडी कर लिया था, मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। आप बताना मुझे हल्दी डालते हो आप लोग। मैंने इसमें हरी मिर्ची भी डाली है और ये है धनिया पाउडर। और हम कुछ नहीं ऐड करेंगे, सिंपल से बनाएंगे। बहुत गर्मी है, वैसे तो करेले भी बहुत गर्म होते हैं, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, मजबूरी है, मुझे खाने पड़ते हैं। हम इसको कर रहे हैं ठंडा, एसी के बिना नहीं रहा जाता। ये भी आ गया, अब इसको नहाना है। और अनु अपने कपड़े तय ला ला, बुत सारे गंदे होने, अलमारी चटका ले। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ करेलों को फील कर रही हैं। ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और ये बहुत ही आसान सा तरीका करेले बनाने का। इस तरह से ना करेले बनाएं तो बड़े खाने में भी टेस्टी लगते हैं और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। जैसे आजकल हमारे घर में बहुत काम हो रहा है तो मैंने ये आसान सा तरीका किया है, क्योंकि बच्चों के लिए तो कढ़ी है बनाई हुई, दोपहर में हमने कढ़ी बनाई थी और चावल बनाएंगे अभी हम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में अगली बार, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो के साथ, शायद अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय श्री कृष्ण। सिंपल से चावल बनाएंगे, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है फ्रेंड्स। ये है एक डेढ़ ग्लास चावल बासमती, हमारे थे डेढ़ ग्लास चावल और हम इसमें डालेंगे 3 ग्लास पानी। ये है बासमती चावल, बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। हमने बनाई थी कढ़ी पकोड़े वाली, ये देखिए। आ जाओ, अगर किसी को कड़ी चावल खाने हैं तो चावल मेरे बन गए हैं एक किस्म, बस 2 मिनट और रखने हैं। शाम अभी मैंने बनाए हैं करेले, आपको बताया था मैंने। और ये हैं जो उसकी पुर्जी करेले की, तो ये बन गए हैं मेरे चावल। देखते हैं, अगर खाना खाते समय अगर बताया गया तो बता दूंगी आपको, वरना वीडियो का यहीं से एंड ही समझे। आ जाओ फ्रेंड कढ़ी चावल खाने के लिए, जिसको खाने हैं कढ़ी चावल। तो हस्बैंड खा रहे हैं, ये हमारा सैलड। कहता अगर मेरी वीडियो बनाई तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, देख लो। रोटी खाते खाते लैपटॉप लेके बैठना है। ये हमारा हो रहा है डिनर। तो आपको आज की मेरी ये रूटीन कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। लव यू, बाय बाय।